वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। आज हम देखेंगे कि एक्सपायरी है जून मंथ की, तो जुलाई मंथ में हम क्या पोजीशन स्टॉक ऑप्शन में बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको आखिर तक देखना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NSEIndia.com में सबसे पहले जाके देखेंगे मंथली गेनर और लूज़र क्या है। निफ्टी 50 में हम लोग 30-day परसेंटेज चेंज में देखते हैं। हमको पता लगता है कि यस बैंक मंथली लूज़र है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है हमको, गेल टाटा मोटर दिख रहा है। तो अब हम जाके चेक करते हैं क्या स्थिति है, कि इसमें से किसकी पोजीशन बनाना हमारे लिए ठीक रहेगा। यस बैंक में गए हम लोग, ऑप्शन चेन को क्लिक किया और यहाँ पे आपको जून की एक्सपायरी का सारा ऑप्शन चेन नज़र आ रहा है। ये तो एक्सपायरी के करीब की बात है, इसलिए हम यहाँ पे जून के बजाय इसको जुलाई की एक्सपायरी कर लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ हम पोजीशन बनाने जा रहे हैं, पहली बात उसके बिड एंड आस्क प्राइस में गैप कितनी है। 120 का नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल दिख रहा है। आप देखते हैं येलो शेड के बाद जो पहली लाइन लेफ्ट में वाइट वाली नज़र आती है, ये आपको लेना चाहिए कॉल की तरह। 670-680 6.7 6.8, तो 6.8 आपका रेट होगा। बिड और आस्क प्राइस में कोई ख़ास गैप नहीं है और 2200 का लॉट साइज नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका आईवी चेक करते हैं। 6.7 6.8, ये कॉलम आईवी का है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 72 की आईवी नज़र आ रही है, तो ये भी एक बेटर बात है कि 72 की आईवी है, इसका मतलब इसमें उतार चढ़ाव होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मली हम बताते हैं आपको 35-40 की आईवी भी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे हम इसके साथ एक पुट का कॉम्बिनेशन अगर बनाते हैं तो हम 100 या 90 का बना सकते हैं। अगर हमारी तेज़ी की धारणा बहुत ज़्यादा है तो हम 90 का ले लेंगे, 2.05 2.10 का ही पुट लेके रख लेंगे, और थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं तो 100 स्ट्राइक प्राइस का पुट लेंगे, 4.05 4.15। ये किया जा सकता है अगर आज की तारीख में हमको ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत दिनों के बाद पलटा है, तो यहाँ पे हम सिंगल लेग हेजिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि कॉल तो हम सामने से ख़रीद लें और पुट में हाई के ऊपर बाइंग लगा दें, सामने से ख़रीद के नहीं रखें। आज का जो डे का हाई है उसके ऊपर बाइंग लगा के छोड़ देंगे। कभी ऐसा हुआ कि पुट और गिरता ही गया, कॉल यहाँ से बढ़ता ही गया, तो आज के दिन ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और शाम होते होते जहाँ पे पुट, ये 4 रुपये का पुट सपोज़ क्लोज़ हो रहा है जाके 2.50 रुपये पे, तो बाज़ार बंद होते होते आप उसको ख़रीद लेंगे और अगले दिन के लिए छोड़ देंगे। तो आपको इधर जो कॉल में फ़ायदा होना है वो भी होता रहेगा और पुट में जो नुकसान होने वाला था वो भी नहीं होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो लॉस वाला चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम लोग बेक करके चलते हैं। इसकी पोजीशन हमने देख ली, हमको नज़र आ गया 120 का कॉल और 100 का पुट, ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। बेक करके हम जाते हैं। अब फिर से हम उस लिस्ट में 30-day परसेंटेज चेंज वाली लिस्ट में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। फिर से हम उस चीज़ को आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, 30-day परसेंटेज चेंज, यस बैंक के बाद दूसरा ऑप्शन आता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और फिर गेल और टाटा मोटर नज़र आ रहा है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे चलते हैं, ऑप्शन चेन को क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए एक्सपायरी के टाइम पे यहाँ प्रीमियम एकदम कम नज़र आ रही है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है तो सारी प्रीमियम को अल्टीमेटली ज़ीरो की तरफ जाना है आउट ऑफ मनी में। 640 का कॉल 39.7 दिख रहा है, लेकिन लॉट साइज 800 का ही है, इसलिए जो प्रीमियम लगेगी, प्रीमियम वैसे 39 के हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लगने वाली है, 35-36,000 के आसपास तो लगने वाला है। और इसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो
ये 11 या 15 रुपये 520 या 540 की पुट का कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। अब हम इसका भी आईवी चेक करते हैं। आईवी 69, 68, 66 नज़र आ रहा है, पुट में भी आईवी हमको 72, 75 ऐसे नज़र आ रहा है। हाई बीटा शेयर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एकदम नीचे जाता है एकदम ऊपर जाता है, तो कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थोड़ा सा हम वॉल्यूम को चेक कर लेंगे किस तरह का वॉल्यूम आ रहा है। 1,32,000 ठीक है, पुट में इधर 183,600 के पुट में काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है, तो आप इसमें सिंगल लेग हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 640 का कॉल खरीद लिया और 600 के पुट में हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के आज दिन भर वेट किया, और बाज़ार बंद होते तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाती है और अगले दिन गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो बगैर हेजिंग के आप खतरे में पड़ जाएंगे। कंट्रोल हमेशा हाथ में होना चाहिए। अब यहीं पे हम जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हमने देख लिया 640 का कॉल, 600 का पुट, ये कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी कैपिटल एंगेज होने वाली है, तो आपको वो देखना ज़रूरी होगा कि इतना कैपिटल आपके पास है या नहीं है। बैक करके जाते हैं, 30-day परसेंटेज चेंज में क्लिक करते हैं, फिर से तीसरा ऑप्शन देखते हैं टाटा मोटर का। एक्चुअली हम ये डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि कई बार हम कहते हैं कि आप जाके इस चीज़ को स्टडी कर लेना, लेकिन आप वहाँ पहुँच के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस मंथ के लिए जो डिसीज़न हम सोच रहे हैं वो हम चाह रहे हैं कि आपके सामने हम लोग बात कर लें और आपका कन्फ्यूज़न उसमें पूरी तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। जून के बजाय फिर हम जुलाई पर जा रहे हैं। ऑप्शन चेन में देखिए ये सारे एक्शन एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ नज़र आ रहा है हमको 7.45, 7.5, 165 का कॉल ले सकते हैं जो 7.5 रुपये का है, और साथ में 150 का पुट ले सकते हैं 2.85, 2.9 के आसपास है। इसका आईवी 44-43 है जो कि ठीक आईवी माना जाता है, अच्छा आईवी माना जाता है। नॉर्मली तो 25-30 का भी आईवी होता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर का आईवी हमको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा था वहाँ पे, यस बैंक का, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। ऑटो में ये आईवी अच्छा माना जाएगा, ये भी मंथली गेनर लूज़र की तरह, मंथली लूज़र की तरह नज़र आ रहे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। अब इसमें होने क्या वाला है, इसमें ऐसा होगा कि 162 खड़ा है अभी, बहुत गिर के टाटा मोटर यहाँ पहुँचा है। अब हो सकता है कि इस रेंज में घूम के ये एक बार और लो तोड़ दे, हो सकता है ये 150 की तरफ चला जाए। अगर ये 150 की तरफ जाता है तो आपका ये जो पुट है 3 रुपीज़ से बढ़ के 10-12 कुछ हो जाने वाला है, तो आप नुकसान में नहीं होंगे, आपके नुकसान का एक बड़ा हिस्से की भरपाई तो हो ही जाएगी। उसके बाद में वहाँ नीचे से बाउंस करेगा तो कॉल भी बिकेगा, ये अलग बात है। अगर यहाँ से टाटा मोटर 170-180 की तरफ जाने वाला है तो यह 8 रुपये का कॉल, 7.45 रुपये, 7.50 रुपये का कॉल बढ़ के 15 भी होने वाला है, जबकि आपका जो टोटल है वो कितना हो रहा है 7.45, 7.50 और उधर 2.5 मिला लेते हैं, 7.5 प्लस 2.5, 10 रुपीज़ टोटल प्रीमियम आपकी एंगेज हो रही है। यहाँ पे 3,000 का लॉट साइज़ है, मतलब 30,000 की कैपिटल आपकी एंगेज होने वाली है। अब 30,000 की कैपिटल पे अगले 2 दिन बाद ही अगर आपको ऐसा दिखे कि 10 का टोटल 12 दिख रहा है, 30,000 पे 6,000 आपको मिल रहे हैं, तो आप दोनों से बुक करके बाहर निकल जाइए, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो। क्योंकि 2 दिन बाद 6,000 प्लस दिख के, 5 दिन बाद ये भी दिख सकता है कि 6,000 का प्रॉफिट घटते घटते 2,000 रह गया है, और फिर कभी कभी 4,000 माइनस भी देखना पड़ सकता है, और महीने के आखिर तक हो सकता है आपको 12-15,000 रुपये मिल जाए। लेकिन अपने आप से पूछ लो कि मेरे लिए क्या झेलने लायक है, कितना मैं झेल पाऊँगा, उस हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। आपको डायरेक्टली अब फिर से लिस्ट में जाना है, तो यहीं से हम निफ्टी 50 की लिस्ट में जाके अब मंथली गेनर देख के ये तय कर सकते हैं कि ये तो बाज़ार बढ़ने पे हमारी संभावना हो गई। बाज़ार अगर अभी यहीं से लुढ़कना चालू कर दे तो कौन से स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा गिरने के चांस रखते हैं, उनके पुट और कॉल का कॉम्बिनेशन भी बनाना होगा मंथली हमको। तो यहाँ पे हमने बात की 165 का कॉल और 150 का पुट, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर थोड़ा सा आप उसको और बैलेंस करना चाहें तो 165 का कॉल
और 155 का पुट भी ले सकते हैं, 7.5 और इधर है 4.3। अब हम इक्विटी स्टॉक में फिर से जाते हैं। निफ्टी 50 की लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट सामने आ गई 30 डे परसेंटेज चेंज में। अभी तक हम देख रहे थे टॉप लूज़र ऊपर आते थे, अब हम उसको फिर से एक बार क्लिक करें तो टॉप गेनर ऊपर आ जाएंगे। टॉप गेनर्स में हमको पता लगा पावर ग्रिड है सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, TCS है जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। इनके पुट और कॉल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो अब हो सकता है कि बाज़ार यहाँ प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह पोजीशन बनाए। ये कमज़ोर शेयर